सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराने लगी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फॉलोइंग नंबर्स लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। इट मींस ये हमें नंबर लाइन दे रखी है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के क्या दे रखे हैं, हमें टेम्परेचर्स दे रखे हैं। तो इसमें हमें यही फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या कह रहा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क। मीन्स इसमें जितने भी ये प्लेसेस दे रखे हैं इनके हमें क्या बताने हैं, टेम्परेचर बताने हैं। सो फर्स्ट क्या है, लहुस्पति। तो मीन्स लहुस्पति का कितना डिग्री सेल्सियस है। जिस तरह से स्टूडेंट इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, जहां पे मीन्स जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मीन्स हॉटेस्ट होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां पे हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर शो होता है, राइट। और जहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, मीन्स बहुत ज्यादा सर्दी होती है, वहां पे माइनस में शो करता है हमारा टेम्परेचर। ओके, सो स्टूडेंट इसमें यही बताना है कि जिस तरह से लहुस्पति है इसका टेम्परेचर कितना है, जिस तरह से यहां पे क्या लिखा है -10, सो यहाँ पे क्या होगा -9 एंड -8। सो लहुस्पति का टेम्परेचर हमारा कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, राइट। सेकेंड इज श्रीनगर। सो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है हमारा, जिस तरह से यहाँ 0 है, -1 एंड -2, सो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। एंड शिमला, तो शिमला का क्या शो कर रहा है, शिमला का तो एग्जैक्ट 5 शो कर रहा है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज ऊटी। ऊटी का टेम्परेचर कितना है, यहाँ है 15, तो 15 से पहले क्या है 14, सो 14 डिग्री सेल्सियस, राइट। नेक्स्ट है हमारा बेंगलुरु। सो बेंगलुरु का क्या है टेम्परेचर, ये 20 है, 21 एंड 22, सो 22 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसका बी पार्ट को करना। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। इट मींस हमें इन दो प्लेसेस जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहां का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। सो स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पे हम हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर, और जब हम किसी का भी डिफरेंस निकालते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर एंड कोल्डेस्ट प्लेस टेम्परेचर, राइट। सो सबसे ज्यादा गर्मी कौन से प्लेस में पड़ रही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जहां पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जहां पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं वहां पे टेम्परेचर कोल्ड रहता है, राइट, माइनस में आते हैं जहां पे, राइट। सो हमारा हॉटेस्ट प्लेस सबसे ज्यादा क्या है, बेंगलुरु। और सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेसेस का टेम्परेचर कौन सा है हमारा, लहुस्पति का, राइट। सो बेंगलुरु में कितने डिग्री टेम्परेचर है हमारा, 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड लहुस्पति में कितना डिग्री टेम्परेचर है, -8 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो इसका हमें डिफरेंस निकालना है। सो डिफरेंस का क्या आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस -- +8 डिग्री सेल्सियस, सो आंसर इज 30 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, सो हॉटेस्ट प्लेसेस टेम्परेचर, सबसे ज्यादा गर्मी कौन सी प्लेस में है हमारी, बेंगलोर में, एंड सबसे ज्यादा सर्दी कौन सी प्लेस में है, लहुस्पति में। तो इनका हमें क्या निकालना है, इसमें डिफरेंस निकालना है, तो उसका डिफरेंस हमारा क्या आया, 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आप स्टूडेंट नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इसको बेंगलुरु से लेकर आप लहुस्पति तक इनको काउंट करोगे इस तरह से 1 2 3 4, तो यहां तक हमारा 30 डिग्री सेल्सियस ही काउंट होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट इसका सी पार्ट करना। इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लहुस्पति एंड श्रीनगर। इसमें हमें लहुस्पति एंड श्रीनगर के टेम्परेचर का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो आपको पता है ये स्टूडेंट की डिफरेंस हम जब निकालते हैं, मीन्स डिफरेंस में हम क्या करते हैं,
माइनस करते हैं. ओके, सो इसमें हमें लाहौलस्पति एंड श्रीनगर के टेम्परेचर को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है. राइट, सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर माइनस टेम्परेचर ऑफ लाहौलस्पति. राइट, सो श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा कितना है, माइनस टेम्परेचर ऑफ लाहौलस्पति. लाहौलस्पति का टेम्परेचर हमारा कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस. राइट, सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, -2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस. सो आंसर इज 6 डिग्री सेल्सियस. सो इन दोनों प्लेसेस में कितने डिग्री का कितने नंबर का मीन्स डिफरेंस है, 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है. राइट, सो आप इस तरह से श्रीनगर से लाहौलस्पति तक अगर आप काउंट करते हो इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो कितने डिग्री का सेल्सियस का डिफरेंस है, 6 डिग्री सेल्सियस का इसमें डिफरेंस है. ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसका डी पार्ट करना स्टार्ट करते हैं. क्या कह रहा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला. इट मीन्स कि अगर श्रीनगर और शिमला की टेम्परेचर को मैं अगर एड कर देती हूँ तो क्या तब भी शिमला का टेम्परेचर इन दोनों के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, मीन्स ज्यादा रहेगा, ये इसमें निकालना है. सो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस. राइट, और यहाँ पे शिमला का क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस. तो इन दोनों को मैं माइनस करूंगी बिकॉज माइनस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस होता है 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस. राइट, तो यहाँ पे ये हमारी बात सच होती है, यहाँ पे शिमला का टेम्परेचर क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है. राइट, तो ये बात यहाँ पे सच समझ होती है. राइट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर. अगर सेम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को मैं एड करती हूँ तो क्या वो फिर उसको एड करने के बाद जो श्रीनगर का टेम्परेचर है क्या वो उसके टेम्परेचर से ग्रेटर होगा, ये इसमें निकालना है. सो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है हमारा, 2 डिग्री सेल्सियस प्लस शिमला का क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस. सो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस. इन दोनों को मैंने इनको क्या करा, माइनस करा, क्या आया, 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 2 डिग्री सेल्सियस. राइट, सो यहाँ पे ये बात हमारी रॉन्ग साबित होती है. राइट, सो वो श्रीनगर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेस देन नहीं है और यहाँ पे ये बात हमारी ट्रू साबित होती है बिकॉज जो शिमला का टेम्परेचर के से लेस देन इसका टेम्परेचर है, तो यहाँ पे ये बात हमारी ट्रू साबित होती है. राइट, ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सोल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.